गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल को लेकर कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। दरअसल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया ने बताया कि कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग से आदर्श आचार संहिता के चलते गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल नहीं देने की मांग की है, क्योंकि गुरमीत राम रहीम सिंह मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। गुरमीत राम रहीम की पैरोल को लेकर कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग से क्या शिकायत और क्या मांग की है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल को लेकर कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है। इस शिकायत में क्या मांग की गई है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया, इनसे जानते हैं कि उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से क्या शिकायत की है और क्या मांग की है। जी देखिए, जैसे हमें पता लगा, मीडिया से पता लगा, अखबारों में भी आज की न्यूज़ थी कि राम रहीम को गवर्नमेंट पैरोल पर छोड़ने जा रही है, तो इस मौके के ऊपर जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है और वो चुनाव में वोटर्स को प्रभावित कर सकता है, ऐसे में हमने कहा है कि ये मौका नहीं है कि भी उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान उसकी पैरोल की जाए। तो चुनाव आयोग को हमने रिक्वेस्ट की है कि कोई अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाए ताकि इस मौके के ऊपर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन ना हो, तो ऐसे में ऐसा तो पैरोल का ऑर्डर नहीं करना चाहिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष केसी भाटिया। इन्होंने बताया कि गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल को लेकर उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।